हरिओम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू डे न्यू क्लास। ऑल राइट, अपने मैट के ऊपर आ जाएं। और बस शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीदिंग करते हैं, एक लंबी सांस भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। लंबी सांस छोड़ेंगे एंड हाथों को भी नीचे ले आएं। मुंह से एक्सहेल आउट करने का ट्राई करें। वापस से एक लंबी सांस भरें, इनहेल, एक्सहेल बाहर की ओर। ऑल राइट, छोटी सी मुस्कान चेहरे पर और मैट के बिल्कुल सामने चले जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों के अंदर गैप करें सो दैट आप आराम से खड़े हो जाएं सामने की ओर। ऑल राइट, धीमे से अपने दोनों हाथों को पूरा आसमान की ओर लेकर जाएं। एक लंबी सांस भरते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करें और अपनी चेस्ट को बिल्कुल ओपन करते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं। सर को पीछे ड्रॉप करें, हम बिल्कुल ओपनिंग लेने वाले हैं, बैक बेंड ले रहे हैं। एक्सहेल करते हुए हाथों को अपने कानों के साइड में रखेंगे, अपने पैरों में बेंड करें और हिप्स को पीछे की ओर पुश करें। पैरों में बेंड रखें, हिप्स को पीछे की ओर पुश करते रहें और स्पाइन को नीचे नीचे धीरे धीरे ले आए। अपने पैरों में बेंड रखें और अपने हाथों को अपने पैरों के बिल्कुल साइड में ले आए। आपकी सारी की सारी फिंगर्स एक लाइन में है। यहीं से एक लंबी सांस भरेंगे और राइट लेग पूरा पीछे की ओर, राइट नी को ड्रॉप कर दें, आसमान की ओर देखें और एक लंबी सांस भरें। एक्सहेल करते हुए आप अपने लेफ्ट पैर को ले जाएं और वो भी पूरा पीछे की ओर। यहीं से और ज्यादा एक्सहेलेशन करेंगे, बाहर की ओर सांस को निकालें, अष्टांगा नमस्कार, अपनी पूरी चेस्ट को नीचे ड्रॉप कर दें। आपकी चिन, आपकी चेस्ट, आपके हाथ, आपके घुटने और आपके टोज जमीन के ऊपर हैं। लंबी सांस भरेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से अंटक पोजीशन में ले आए, स्लाइड करके बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएं, दोनों पैरों को मिला दें और नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठाएं। आसमान की ओर देखें, भुजंग आसन। एक्सहेल करते हुए हाथों को जमीन पर पुश करें और पूरा ऊपर की ओर उठ जाएं, पर्वत आसन। पर्वतासन में आप अपने पैरों को बेंड रखें थोड़ी देर के लिए सो दैट हैमस्ट्रिंग्स ओपन अप हो जाएं। अपनी स्पाइन को अंदर पुश करें ज़्यादा से ज़्यादा और एक एक पैर से थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं। एक पैर को सीधा कर लें, एक पैर को बेंड कर दें। यहीं से आगे की ओर देखें, अपने राइट पैर को अपने हाथों के बिल्कुल बीचों बीच ले आए। आप अपने राइट पैर को हाथों के बीच और बीच नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो पहले नीज को ड्रॉप करें और फिर अपने पैर को आगे लेकर आए। हिप्स को आगे की ओर पुश करें, आसमान की ओर देखें, लंबी सांस अंदर। एक्सहेल करके दोनों पैरों को आगे की ओर ले आए, दोनों पैरों में बेंड रखें। लंबी सांस भरेंगे, पहले हाथों को अपने कानों के साइड में लेकर आए, हिप्स को पीछे पुश करते रहें, ऊपर की ओर पूरे शरीर को उठाएं और हम आ जाएंगे वापस से बैक बेंड हस्ता उत्तन आसन में एंड देन प्रणाम आसन, नमस्कार मुद्रा। ऑल राइट, सेकेंड राउंड। अपनी ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करें, सिंक्रोनाइज करने का ट्राई करें कि आप जिस तरह मूव कर रहे हैं उस तरीके से आपकी ब्रेथ भी मूव कर रही है। ऑल राइट, इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, बैक बेंड लें। एक्सहेल, पैरों में बेंड, हिप्स को पीछे पुश करें, हाथों को अपने कानों के साइड में रखें, धीरे धीरे पूरा नीचे की ओर जाएं, हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर फील करते हुए स्ट्रेच। इनहेल, राइट लेग पूरा पीछे। एक्सहेल, लेफ्ट लेग भी पूरा पीछे और इस बारी सीधा अष्टांगा नमस्कार।
अनटक द टोज, जॉइन द लेग्स टुगेदर, अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, स्लाइड करते हुए ऊपर भुजंगासन। एक्सहेल पर्वतासन, इनहेल राइट लेग आपका हाथों के बिल्कुल बीचों बीच, आसमान की ओर देखें, लंबी सांस अंदर। एक्सहेल, दोनों पैरों को मिला लें और अपने हाथों को जमीन पर ही रखें, पैरों को मोड़ सकते हैं। लंबी सांस भरेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाएं, पूरा ऊपर आसमान की ओर उठा लें। वापस से बैक बेंड, ओपन द चेस्ट, अनहता चक्र, एंड देन प्रणामासन, रिलैक्स, एक्सहेल आउट। ऑलराइट, थर्ड राउंड, इनहेल हस्ता उत्तानासन, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड पोजिशन, इनहेल राइट लेग पूरा पीछे, एक्सहेल लेफ्ट लेग पूरा पीछे, और ज्यादा एक्सलेशन करेंगे एंड अष्टांग नमस्कार। लंबी सांस भरें, दोनों पैरों को अनटक पोजिशन में लेकर आए, स्लाइड करें बॉडी को ऊपर, नाभि तक उठाएंगे, भुजंगासन। एक्सहेल पर्वतासन, लंबी सांस भरे, राइट लेग आगे की ओर, लंबी सांस छोड़ें, दोनों पैरों को आगे लगा दें। अब अपने पैरों को सीधा करने का ट्राई करें और ज्यादा डीप हैमस्ट्रिंग्स पे स्ट्रेच लेना शुरू करें। लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे, कानों के बिल्कुल साइड में, आपकी स्पाइन राउंड नहीं होनी चाहिए, पुश करके रखें हिप्स को पूरा पीछे की ओर, एंड इनहेल दोनों हाथ ऊपर की ओर, पुश करें अपने हिप्स को आगे की ओर और पूरे शरीर को पीछे जाने दें, बैक बेंड पोजिशन एंड प्रणामासन। ब्यूटिफुल, ऑल राइट, फोर्थ राउंड, इनहेल लंबी सांस अंदर, एक्सहेल, इनहेल राइट पैर पूरा पीछे, एक्सहेल लेफ्ट पैर पीछे, एंड अष्टांग नमस्कार। लंबी सांस भरें, अनटक द टोज, भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन। अपनी नाभि की ओर देखने का ट्राई करें। लंबी सांस भरें, राइट लेग हाथों के बिल्कुल बीचों बीच, आसमान की ओर देखें, एक्सहेल दोनों पैरों को जोड़ लें। लंबी सांस भरते हुए हाथ को कानों के बिल्कुल साइड में लेकर जाएं, इन पूरा ऊपर की ओर, प्रणामासन। एक लंबी सांस भरें, इन लंबी सांस छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। एंड फिफ्थ राउंड, इनहेल वापस से दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल गो डाउन। लंबी सांस भरते हुए राइट लेग पूरा पीछे किया, छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को भी पीछे ले जाएं और अपनी पूरी चेस्ट को, अपने हाथों को बेंड करते हुए नीचे की ओर लेकर जाएं। लंबी सांस भरेंगे, अनटक द टोज, भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन। अब आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, तो अपने पैरों को, हाथों को सीधा करने का ट्राई करें, अंदर की ओर पुश करें पर्वतासन में, डीप स्ट्रेच लें। राइट लेग आगे की ओर, हाथों के बिल्कुल बीच में बीच, आसमान की ओर देखें,
एक्सहेल, दोनों पैरों को जोड़ दें। इनहेल, हाथों को आगे खींचे, पूरा ऊपर की ओर। एंड प्राणायाम, ब्यूटिफुल। फील योर बॉडी, महसूस कैसा हो रहा है। ऑल राइट, सिक्स्थ राउंड। इनहेल, वापस से दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल, पूरा नीचे की ओर, धीमे 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 धीमे। यहीं से राइट लेग आपका पूरा पीछे ड्रॉप कर दें। एक लंबी सांस भरे अंदर। एक्सहेल, लेफ्ट लेग को भी पीछे ले जाएं। एंड अष्टांग नमस्कार। अनटक द टोज, स्लाइड द बॉडी, भुजंग आसन, आसमान की ओर उठाएं शरीर को, नाभि तक। कंधों को कानों से दूर लेकर जाएं। एक्सहेल, पर्वत आसन। अपने हाथों को जमीन पर पुश करें, जमीन की ओर नहीं जाना, जमीन को पुश करें दूर। यहीं से इनहेल, राइट लेग हाथों के बिल्कुल बीचों बीच, आसमान की ओर देखें। एक्सहेल, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें, दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएं। इनहेल करते हुए बैक बेंड एंड प्राणायाम। सेवेंथ राउंड, आई होप सो। सेवेंथ राउंड, यस इट इज सेवेंथ ओनली। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल, हिप्स को पीछे की ओर पुश करें, आगे की ओर देखते रहें। और ज्यादा डीप स्ट्रेच आने लगेगा आपके हैमस्ट्रिंग्स पर। पैरों को सीधा रखें आप। राइट लेग पूरा पीछे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग पूरा पीछे। अष्टांगा नमस्कार। लंबी सांस अंदर, भुजंगासन। लंबी सांस छोड़ दें, पर्वतासन। नाभि की ओर देखें, सर को अंदर की ओर लेकर जाएं। राइट लेग आपके हाथों के बिल्कुल बीचों बीच, आसमान की ओर देखें। वापस से एक लंबी सांस अंदर। एक्सहेल, दोनों पैरों को जोड़ दें, सीधा रखें पैरों को और हाथों को आगे आगे की ओर देखें। और धीरे धीरे पूरा ऊपर एंड प्रणामासन। कम ऑन, ब्यूटिफुल। टू मोर राउंड्स, दो बारी और करेंगे। आंखों को थोड़ा बंद करना शुरू करें और बस अपनी पूरी अवेयरनेस अपने शरीर तक लेकर जाएं। अब इनहेल, पूरा हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। एक्सहेल, धीरे धीरे पूरा पैरों को सीधा रखते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। राइट लेग पूरा पीछे। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस छोड़ दें। लेफ्ट लेग पूरा पीछे। इन अष्टांग नमस्कार। एक्सहेल कंप्लीटली। इनहेल भुजंगासन। एक्सहेल पर्वतासन। इनहेल राइट लेग हाथों के बिल्कुल बीचों बीच, आसमान की ओर देखें। दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को आगे की ओर लेकर जाएं, पूरा आसमान की ओर। नमस्कार मुद्रा। ऑल राइट, एक आखिरी बार और। इस बार ये वापस से आंखों को बंद करके शरीर पर महसूस करें ज्यादा से ज्यादा। लंबी सांस अंदर,
डीपर बैक बेंड, एक्सहेल, डीप फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल, राइट लेग पूरा पीछे की ओर, आसमान की ओर देखें, एक्सहेल, अष्टांगा नमस्कार, लंबी सांस भरें एंड भुजंगा आसन, लंबी सांस छोड़कर पर्वतासन। अपनी दोनों एड़ियों को जमीन पर लगाएं, अंदर की ओर जाएं, शोल्डर से अंदर प्रेस करें, सर को अंदर की ओर लेकर जाएं, नाभि की ओर देखें, राइट लेग आपके हाथों के बिल्कुल बीचों बीच, आसमान की ओर, एक्सहेल, दोनों पैरों को ज्वाइन कर दें, हाथ को आगे की ओर लेकर जाएं, पूरा ऊपर की ओर, डीप बैक बेंड एंड प्रणामासन। ऑलराइट, आंखें बिल्कुल बंद, कुछ देर के लिए बस अपने पैरों को ऐसे खोल दें, अपने हाथों को ऐसे खोल दें। अपनी पूरी अवेयरनेस लेकर जाएं अपने शरीर की ओर, एक लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ें, अपने दिल की धड़कनों को रिलैक्स करें, काम डाउन करें, महसूस करें कि शरीर में कैसा लग रहा है, और बहुत ही धीमे से हम अपनी आंखों को खोलकर हम सीधा आज शवासन में चले जाएंगे। आज की प्रैक्टिस के लिए अपने दोनों पैरों को खोल दें, अपने दोनों पैरों को खोलकर अपने हाथों को भी आसमान की ओर खोल दें, अपने हाथों को शरीर से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें जमीन की ओर। अब बस एक ही चीज होनी चाहिए मन में, वो है रिलैक्सेशन। सर से लेकर पैर तक हमें बस रिलैक्स करना है। अपनी आंखों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, अपनी जॉ लाइन को रिलैक्स कर दें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दे जमीन की ओर, अपने हाथों को ढीला छोड़ दे जमीन की ओर, अपने पेट को ढीला छोड़ें, स्पाइन को ढीला छोड़ें, अपने हिप्स को ढीला छोड़ दें जमीन की ओर, अपने लेफ्ट पैर को, राइट पैर को बिल्कुल भी टेंस नहीं करना है, ढीला छोड़ दें जमीन की ओर। बस एक मिनट के लिए पूरा शरीर आपका ढीला हो चुका है, आप अवेयर रखें अपने आप को इस रिलैक्सेशन के प्रति। कंप्लीट साइलेंस में जाएंगे बस एक मिनट के लिए। बहुत ही धीमे से अपने हाथों को, पैरों को मूव करें, वापस से एनर्जी लेकर आएं शरीर में, और हम अपने राइट साइड स्लीपिंग पोजीशन में चले जाएंगे। यहीं से पूरा सीटेड पोजीशन में आ जाएं, आंखें अभी भी नहीं खोल ली,
सीटेड पोजीशन में आ जाएं, एक छोटी सी मुस्कान रखेंगे चेहरे पर और यहीं पे हम अपने हाथों को रब करेंगे। हाथों को अपनी आँखों के ऊपर लगाएंगे और फिर धीमे से अपनी आँखों को खोल लेंगे अपने हाथों को देखते हुए। ऑल राइट, हरिओम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आई होप यू हैड अ वंडरफुल प्रैक्टिस। अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। हरिओम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।